फैमिली कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग कल ही का डिटेल रीडिंग करने वाले थे, तो आज हम लोग करने वाले हैं कि डीएम क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में और ज़्यादा इन डिटेल। हम लोग थोड़े से मैसेजेस भी लेंगे और एक्शन के भी कार्ड्स लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाइड हो रहा है यहाँ पे कि ये किया जाए, और प्लस देखेंगे कि उनके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कहाँ तक हुई है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज हम ये रीडिंग। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज इस चैनल को। ऑल्सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गाइज, चार्जेस हैं मेरे पर क्वेश्चन के 350, और अगर आप लोग थोड़ा डिटेल्ड TF रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1050। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं हम। मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि आपके साथ साथ कार्मिक को भी देखा जाए, तो देखते हैं कार्मिक के लिए भी। पहले आपका ख़त्म करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, DM बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ चल नहीं रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आके आपको कंट्रोल में ले ले, कुछ तो उनकी लाइफ में कंट्रोल हो। ठीक है, उनको लग रहा है कि आप कहीं और ही देख रहे हो, आपके स्टार्स शाइन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा चमक रहे हो, आपका ध्यान नहीं है उनकी तरफ, तो वो आकर आपको बांध देना चाहते हैं अपने से। उनको आपको की बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनको, पर वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्टेयर कर रहे हैं। शायद आप में से बहुत लोगों ने वेट लॉस भी किया होगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि हाय ये तो बहुत पतली हो गई, हाय ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत कुछ। ठीक है गाइस, तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी देख रहे हैं ये आपके साथ, ये आपको आके डेट करना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कि मेरे को है तुम्हारे साथ, मेरे को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। बट उनको यही डर है कि आप जो है आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उनका ऑफर आपको नहीं चाहिए होगा, उनको स्टेबल आपको अभी उनकी स्टेबल बिगिनिंग नहीं चाहिए होगी, बिकॉज आपने अपनी बना ली है उनके बिना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आपको आके बोले कि आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू करे। बहुत हर कार्ड में दिखाया जा रहा है कि DM आया है और DF सो रही है, DF कुछ और काम कर रही है, DF अपने पावर में है, DF किसी और को डेट कर रही है, DF जो है कुछ और काम कर रही है, DF अपने पावर में स्टैंड कर रही है, किसी कार्ड में DF नहा रही है। तो गाइस, DF का ध्यान DM की तरफ ज़रा सा भी नहीं है, ऐसा DM को लगता है, और इसी वजह से जो है DM आना चाहते हैं और स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ भी जो आपको जाने से रोके। ठीक है, तो ये वाला हालत है यहाँ पर। आपका ना बॉदर करना ही उनको गुस्सा दिला रहा है, उनको पागल कर रहा है, उनको गुस्से में ला रहा है, उनको ईगो में ला रहा है, उनको का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो चुका है, जो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते थे वो एटीट्यूड ही उनका ख़त्म हो चुका है। उनको जो लगता था DF की लाइफ मेरे से चलती है, वो भी ख़त्म हो गया है अभी। देखते हैं गाइस कि सबसे पहले कि DM कार्मिक के बारे में क्या सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली DM सोच रहे हैं कि कार्मिक जो है उनसे दूर हो रही है, कार्मिक इमोशनली उनमें इन्वेस्टेड नहीं है, कार्मिक अपनी ज़िंदगी जी रही है, कार्मिक्स का मुंह उनके तरफ टर्न्ड है, कार्मिक्स जो है, मुझे ऐसा लगता है कार्मिक्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी दिखाती थी अपनी उनको, और वो उनको शॉक करता था, उनको अच्छा लगता था कि कार्मिक्स बहुत इमोशनल है, बट कार्मिक्स भी उनका मतलब ध्यान बिल्कुल नहीं है, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो उनके पैरों पे आग गिरे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उनको लग रहा है कि कार्मिक्स जो है कभी गेम्स खेलती है उनके साथ, रनर चेसर वाले, बिल्कुल सही है, खेलने भी चाहिए, हमारे साथ भी वो ऐसा ही करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो वो कार्मिक्स को कहना चाहते हैं DMs, लेकिन कार्मिक्स को कह नहीं पाते हैं। ठीक है गाइज, वो थक चुके हैं कार्मिक्स के लिए सब कुछ करके। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि DM को सस्पिशन भी है, DM को अभी लगता भी है कि कार्मिक्स किसी और के साथ खुश है। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। DMs बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और DM को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, इसको कोई और भी हो सकता है, ये मेरे साथ खुश नहीं है। ठीक है, इसने मुझे लटका के रखा हुआ,
है बट इसकी जिंदगी तो चल रही है, ठीक है। तो ये कार्मिक्स का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, कार्मिक्स के साथ डीएम उगलवाना चाह रहे हैं कार्मिक्स से कि क्या मैटर है, मुझे सच बताओ, अभी तो मुझे रोकती क्यों नहीं हो, अभी तो मुझे फोर्स क्यों नहीं करती, अभी तो मुझे स्टेबिलिटी क्यों नहीं दिख रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि कार्मिक्स कहीं और अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रही है। और वो तो मतलब उनका जो एंजाइटी है कि छोड़ देंगे, हम सब उनको छोड़ देंगे, वो 10 times बढ़ चुका है, क्योंकि डीएफ अभी जो है डीएफ ने भी अपना मुंह फेर लिया है। गाइस एक मज़े की बात बताती हूँ, डीएम्स को कोई नहीं मिलता, ना डीएफ ना कार्मिक। आपको ऐसा लगता है कि वो कार्मिक के साथ इंजॉय कर रहे होते तो कार्मिक भी उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होती, अगर डीएम उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होती है। तो जब डीएफ आ रही होती है तभी कार्मिक आती है, और उनको चूज़ करना होता है तो हमेशा जाके कार्मिक को चूज़ करते हैं। ये उनकी स्टूपिडिटी है, बिकॉज उनको लगता है कि कार्मिक सब सुधर गए हैं और इसके साथ मेरा बना बनाया इधर ही जाना चाहिए। बट इससे ज़्यादा स्टूपिडिटी गाइस मैंने अपनी दुनिया में देखी नहीं है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि डीएफ को अबैंडनमेंट इश्यूज़ होते हैं और डीएफ को सब अबैंडन करके चले जाते हैं, तो डीएम भी वही पैटर्न को रिपीट करते हैं। देखते हैं गाइस डीएम क्या एक्शन लेने वाले हैं इस सिचुएशन पे आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि डीएम न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, उन्होंने अपना प्लान बना लिया है, वो अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, बिस्तरा गद्दी कपड़े सब उठाकर निकल लिए हैं वहाँ से, और ये ठान लिया है उन्होंने कि डीएफ के साथ अपनी ज़िंदगी बनाएंगे। तो इसी प्लान के साथ वो आपके पास आ रहे हैं और आते हुए दिखेंगे भी 9th of September के बाद। बट आप लोगों को भरोसा नहीं होगा उन पे, इट इज़ ओके गाइस। कभी इतनी बार धोखे खाने के बाद अगर आपको भरोसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग जो है सीधे सीधे जाकर उस कनेक्शन में एंटर कर जाओ और हाँ बोलो, आप लोग थोड़ा सा पर ना भी कम्प्लीटली मत बोल देना, रिजेक्ट भी मत कर देना, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक है, देख लो वो क्या कहना चाहते क्या बोलना चाहते। तो देखते हैं गाइस डीएम की प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है इस जर्नी में। तो डीएम के जो है एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आए हैं, उनके पैनिक अटैक्स कंट्रोल में आए हैं, उनका सेवियर बिहेवियर जो है देखो गाइस डीएफ का भी है ये सेवियर बिहेवियर। डीएफ को लगता है मेरे साथ जो हुआ ना वो दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से गाइस मेरा ये मेन मोटिव भी था ये चैनल पे आने का कि मैं आप लोगों के जो जिनके साथ मेरे जैसे बुरी बुरी चीज़ें होती है सब डीएफ के साथ होता है, तो मैं चाहती थी कि मैं डीएफ को हेल्प करूँ, उनके लिए पर्सनली अवेलेबल रहूँ। तो ये सेवियर एटीट्यूड डीएफ में भी होता है, तो डीएम में 60 या 100 times डीएफ से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सेवियर एटीट्यूड हमको भी कम कर देना चाहिए, हमको भी हमारे बारे में फोकस करना चाहिए, तो डीएम भी जो है अपने बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। कहीं तो उनके पैनिक सोलार प्लेक्सस पे काफ़ी ज़्यादा काम चालू है, ये मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उनके थ्रोट चक्रा में काम हो रहा है ताकि वो बोल पाए, ठीक है। और उन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, तो उनकी उनको थोड़ी सी क्लैरिटी दी जा रही है, ठीक है। देखते हैं गाइज कि वो हमसे क्या बोलना चाहते हैं इस रीडिंग के बाद। हाउ कुड यू बी हैप्पी विद द ड्रीम ऑफ हैविंग मी इन योर लाइफ। देखिए गाइज वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि तुम कैसे खुश हो सकती हो मेरे को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके, इतना लॉन्ग सेपरेशन हो चुका है हमारा, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम अब तक चली गई होगी। तो इसी चीज़ से मुझे पता चल रहा है गाइज कि आप हमारे 1.5 या 2 साल सेपरेशन डीएम के साथ हो गए होंगे। आई नो आई कांट एक्सपेक्ट यू टू फंक्शन माई वे, आई स्टिल ट्राई। देखिए गाइज तो यही प्रॉब्लम है उनका कि वो चाहते हैं कि हम उनके साथ उनके ही टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से बने रहे, और ऐसा नहीं हो पाता है, बट वो कोशिश बड़ी करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला गाइस ब्लाइंडली ट्रस्ट करने मत चले जाइएगा, पहले देख लीजिएगा कि क्या आउटकम रहने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।